नमस्कार और आदाब। आज सनीचर जून के पहली तारीख एन यूनी पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। पत्रिशा एटनल एनपीएस का पार्लियामेंटारियर दयाना पंचकर का नेता जो है ये कहते हैं कि जो ऑन द वे जो शिक्षा यानी तालीम स्कूल पर बच्चों को दी जाती है ये ठीक नहीं है, ये इनके देखने में सही नहीं है। इसमें कसूरवार है रहेरे बौद्ध और ये लोग महसूस करेंगे 2020 में। पत्रिशा एथनेल बखरोटिंग्स बहांडलिंग के दौरान इस दौर में जो इस वक्त चल रहा है बखरोटिंग्स बहांडलिंग इस दौर में कहा है कि लोगों को जो स्कूल पर पढ़ाते हैं लेरक्राफ्टन जो है ये स्कूल पर पढ़ाते हैं जो रीकन मेथोड नया रीकन मेथोड के साथ लोग काम करते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कहते हैं कि रेकन मेथोड ये कहते हैं कि ट्वेल्थ क्लास में लोग लंग मेथोड पर लोगों को सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है सोमो अपलॉस करने के लिए, और जब दर्द क्लास में लोग आते हैं तो वहाँ पर सिखाया जाता है ओंदर अलकार ऑप्टेला एंड अफ्त्रेक। इससे लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं और बहुत से ऐसे बच्चे हैं ज़्यादा तौर पर बच्चे जो है दर्द क्लास में पास नहीं होते हैं, ये ब्लाइफ सिद्ध हो जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं और दोबारा ये क्लास जो है दर्द क्लास लोगों को करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस पर मिनिस्टर को ज़रूर गौर करना चाहिए कि दर्द क्लास में लोग बच्चे जब आते हैं तो लोग पास नहीं होते और ये एक बहुत बड़ा मुश्किलात है, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। BFL और ALS का फोर्सिटर रेशमा मंगरे फगबोन्स लेदर जो है ये कहते हैं कि मिनिस्टर लीडियन फेरिये ओंदरवेस का जो बातें कहते हैं ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। मिनिस्टर जब से वहाँ पर उस पदवी पर बैठे हैं ये कहते हैं कि वो क्वालिटी का ओंदरवेस चाहते हैं और इसमें वो जोर तोर से काम कर रहे हैं। जैसे आपको पता है तो EOL पर कुछ बदलाव आते हैं, वहाँ का करिकुलम जो है ये बदला जा रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो है EOL का, इसमें मिनिस्टर ये कहते हैं कि एक फरकोर्त मास्टर ऑपलेरिंग आएगा, मतलब छोटे रूप में एक मास्टर ऑपलेरिंग आएगा। रेशमा मंगरे ये कहते हैं कि अगर ऐसा मिनिस्टर कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एक फरकोर्त मास्टर ऑपलेरिंग नहीं है, यह मास्टर ऑपलेरिंग पूरा का पूरा है या मास्टर ऑपलेरिंग नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आप लोगों को और पढ़ाना चाहते हैं ताकि लोग अच्छे तरह से बच्चों को शिक्षा दे सके तालीम दे सके तो आपको पूरा तौर पर इन लोगों को पढ़ाना चाहिए, फुली क्वालिफाइड लेयरक्राफ्टन अगर आप चाहते हैं तो एक पूरा तौर से मास्टर ऑपलेरिंग लोगों को देना चाहिए, छोटे रूप का मास्टर ऑपलेरिंग नहीं होते हैं। पिछले हफ्ता सोमवार को इसी हफ्ता सोमवार को लातूर के स्कूल से यह मेल्डिंग आई है कि वहाँ का एक बच्ची जो है इसके साथ बलात्कारी जबरदस्ती हुआ है। ये पता चला है कि ये बच्ची जो है यह स्कूल जा रही थी और रास्ते में एक आदमी ने इनसे के साथ जबरदस्ती किए है, इनको खींच कर ले गई है किसी के ज़मीन पर और घर के पीछे जाकर ये घिनौना हरकत इस बच्ची के साथ किए है। इंस्पेक्टर हम्फ्री नार्दन ये बताते हैं कि लातूर के स्कूल पर हॉकी स्कूल पर कुछ ऐसा मामला भी हुआ है कि एक आदमी वहाँ पर आए हैं लेयरक्राफ्टन स्कूल से पहले, अभी स्कूल शुरू नहीं हुआ था 7 बजे से पहले लगभग ये आदमी वहाँ पर गए हैं, इन लेयरक्राफ्टन को भी बंदूक दिखाए हैं और धमकी दिए हैं और इन लोगों का मोबाइल टेलीफोन वहाँ से लेकर चोरी करके वहाँ से भाग गया है। इस लड़की के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, बंदूक दिखाकर पिस्तौल दिखाकर इनके साथ ये बलात्कारी हुआ है। इस मामले में खोजबीन हुआ है और ये पता चला है कि 29 मई को किसी ग्लेन हा को पुलिस गिरफ्तार किया है इस मामले में इसी सिलसिले में, और ग्लेन हा के साथ भी एक हेलर जमाल एम 25 साल का आदमी गिरफ्तार हुआ है। ये हेलर ये आदमी जो है मतलब चोरी का माल खरीदे है, तो मुमकिन मतलब ये है कि ये मोबाइल टेलीफोन्स जो ग्लेन हा ने चोरी किए थे ये इनके पास जाकर ये चोरी का माल खरीदे है। पुलिस इस मामले में खोजबीन कर रहा है क्योंकि अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस को शक है कि इस आदमी ग्लेन हा के हाथ है। इस लातूर में जो मामला हुआ है स्कूल पर और ये बच्ची के साथ, इसमें ग्लेन हा के हाथ है।
फेहा पे का ओनर फोर्सिटर जो है असीस कुमार गयादीन, ये कहते हैं कि इनके खिलाफ पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज किया गया है नालिस हुआ है अमजद अब्दुल के जरिए। ये इनका बात सुनकर इसका कोई नींद हराम नहीं होता है। इस बात पर वो हंस रहे हैं और कहते हैं कि उनको बिल्कुल हंसी आ रहा है और उन्हें नहीं पता है कि कितने दूर तक अमजद अब्दुल के बात पर विश्वास करना चाहिए। वास्तव में ये पुलिस के पास गए हैं नालिस करने के लिए या नहीं। वैसे ये कहते हैं कि अब्दुल ये कहा है कि स्मार्ट और लास्टर कि ये जो इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है अस्मात और लास्तर के लिए, तो वो चाहते हैं कि इनका नाम जो है, इनका जो बेइज्जती हुआ है, इनका नाम पर कीचड़ उठाया गया है, ये इनका नाम से फिर हटाया जाए। इनका बेइज्जती हुआ है या मानहानि कहते हैं इसका, ये पुलिस में असीस गयादीन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवाने वाले थे, ये वहाँ पर नालिस करने वाले थे। ये सिर्फ रेख्तलक ओंदरसुख जो होने वाले थे जो नहीं आए हैं, तो इसलिए इस बारे में असीस कुमार गयादीन ने बातचीत किए हैं। और अगर पेहे इसमें कुछ नहीं किए हैं या पुलिस कुछ नहीं किए हैं, तो असीस गयादीन कहते हैं कि जनता ने उन्हें चुनकर वहां पर बैठाए और जनता अगर मुश्किल के साथ इनके पास मुश्किलात है इनके पास आते हैं तो इनका फ़र्ज़ है ये बात सुनने के लिए और ये देखने के लिए कि कैसे लोगों का मदद वो कर सकते हैं। वैसे असीस गयादीन ये कहते हैं कि ये जो अब्दुल है ये केवल वहाँ पर बैठाया गया है पंचकर में, ये सरकार जो है रखेरें बहुत शिव है, इसका जो गलत बात है जो कदम उठाते हैं सरकार इसको सच बताने के लिए, इसको सही बताने के लिए। ऐसे में इनका जो इकोनॉमी सा अख्तरखान थे, इसका इकोनॉमी सा बैकग्राउंड जो है इस पर शक करना बहुत ज़रूरी है, ये शक करने वाला बात थे। गयादीन कहते हैं ये आन हफ्ते के बारे में कि अगर पुलिस की तरफ से इनको बुलावा आएगा तो एक अच्छा नागरिक की तरह वो ज़रूर पुलिस के पास जाएंगे और जो सवाल जो पूछताछ होगा इस पर वो सही सही जवाब देंगे। वैसे इस मामले के बारे में ये कई दिनों से चल रहा है, 23 तारीख में से पंचघर में ये मामला चल रहा है। गयादीन कहते हैं कि पॉलिटिसी जो है, पॉलिटिकल लोग जो है ये सोचते हैं कि ये सब कानून से और ऊपर है, लेकिन ये ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। मामला ये हुआ है कि 23 तारीख मई को दयाना में गयादीन ने कहे हैं कुछ कागजात दयाना को पेश किए हैं जिसमें कुछ लोग इनके पास आए हैं शिकायत पेश करने के लिए कि ये सब पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करवाए नालिस किए हैं लेकिन इस मामले में कोई खोजबीन नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने पेही से गुजारिश की है इस मामले में खोजबीन करने को। ये पता चला है कि एक आन हिफ्त हुआ है मार्त नेखंतीन में और ये आन हिफ्त हुआ है पुलिसी मारियन बोरख के पास किसी इस्तखार अब्दुल के खिलाफ। मारियन बोरख पर कुछ जनता, कुछ लोग वहाँ पर ये जाकर पुलिस में नालिस किए हैं, वो इसलिए क्योंकि इस्तखार अब्दुल ये प्रोसेस फरबाल जो है इसमें लिखा गया है कि यह अमजद अब्दुल का भाई है क्योंकि अमजद अब्दुल का नाम भी इसमें लिया गया है। ये लोगों से पैसा लेते थे, इन लोगों को ज़मीन और फिस फरख्वेनिंग देने के लिए पैसा इन्होंने लिया है लेकिन फिस फरख्वेनिंग और ये ज़मीन इन लोगों को कभी नहीं मिला है। तो इस मामले में गयादीन ये तमाम कागजात पेश किए हैं पंचघर में और कहते हैं कि पेहे से वो गुजारिश की है आगे खोजबीन करने के वास्ते। मिनिस्टर माइक नूर सलीम बेलान ससाकन का मिनिस्टर जो है ये कहते हैं कि तय हुआ है, ये ऐलान किए है कि ईद उल फित्र रहेगा जून के 5 तारीख 5 मई को। इस्लामी तीस फस्त मंथ रमादान जो है यानी रोज़ा का महीना जो है इसका अंत होगा तब ईद उल फित्र हमारे मुस्लिम भाई बहनों मनाते हैं और इस साल के वास्ते तय हुआ है कि जून के 5 तारीख छुट्टी का दिन रहेगा। पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे एक बस्किंग के मुताबिक जो फेसबुक पर लोग रखे थे, जो लोग पोस्ट किए थे कि इसमें लिखा गया था कि तय हुआ है सरकार की तरफ से कि जून के 4 तारीख छुट्टी का दिन होगा, लेकिन इसमें अब बदलाव आए हैं क्योंकि मिनिस्टर कहते हैं कि इस मामले में तीन बड़ा इस्लामी समुद्र और खनिसासिस से लोग बात करते हैं, ये है सुरिनाम से इस्लामी से फरेन हैं, सुरिनाम से
मुस्लिम एसोसिएशन और मजलिस मुस्लिम इन सुरीनाम, इन लोगों से बातचीत होता है और जो ज़्यादा और खनीसासिस कहते हैं तो तय होता है कि उसी दिन ईद मनाया जाएगा। और ये पता चला है कि एक ऑफिशियल ऐलान जो आए हैं तो इसके इस पर मिनिस्टर ने खुलासा किए हैं। वो बताते हैं कि पेशतर दो और खानीसासिस ने कहे थे कि जून के 4 तारीख लोग ईद मनाएंगे, लोग जोरती किए हैं तो ईद 4 तारीख को मनाया जाएगा, लेकिन बाद में MMS जो है ये है मजलिस मुस्लिम सुरीनाम, ये कहते हैं कि ये सब गलत जोरती किए हैं और ये सब 4 तारीख को नहीं लेकिन 5 तारीख को ईद मनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब दो और खानीसासिस है जो 5 तारीख को ईद मनाएंगे, तो ये तय हुआ है कि ईद मनाया जाएगा, ईद उल फितर रहेगा जून के 5 तारीख को। मिनिस्टर कहते हैं कि सिर्फ मिनिस्टेरी फन बिनलन से साक को हक है यह ऐलान ये घोषणा करने के लिए। यह नचुनाल फ्रेयदाह कब रहेगा और यह नचुनाल फ्रेयदाह इस साल के वास्ते ईद उल फितर रहेगा बुध जून के 5 तारीख 5 यूनी को। मिनिस्टर स्टुअर्ट खुत्रो जो है यूस्टिसी एंड पॉलिसी का मंगर को पंचघर में कहा है कि जो चोरी हुआ है स्कूल पर, लातूर के स्कूल पर, इस मामले में वो कहते हैं कि सर्वेलांस जो है स्कूलों पर बढ़ा दिया गया है, वहाँ पर पहरा डालने के लिए वहाँ पर बवाकिंग के तौर पर मिलिटेरन मौजूद है। वैसे इस मामले के बारे में पंचघर का नेता भी मिनिस्टर ओंदरवेस से सवाल किए हैं और मिनिस्टर लिलियन फेरिये जो ओंदरवेस का मिनिस्टर है कहते हैं कि इस वक्त वो ये देख रहे हैं कैसे जो लेयर क्राफ्टन और लेयर लेगन जो है जिन लोगों के अंदर काफ़ी खौफ है, काफ़ी डर है, लोग डर गए हैं, कैसे इन लोगों का मदद किया जाए, इन लोगों को किस तरह से बखलेरिंग मिलेगा। वैसे बताने की बात यह है, यह ऐलान भी हुआ है पंचघर में कि सुख से स्कूल पर बवाकिंग के लिए, लातूर के स्कूलों पर बवाकिंग के तौर पर वहाँ पर बवाकिंग के लिए लोगों के हिफाजत के लिए मिलिटेरन रखा गया है। और मिनिस्टर फिर यही कहते हैं कि आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कैसे बाकी के स्कूलों में जो यह यहाँ पर भी बफेलहिंग के तौर पर या लोगों के हिफाजत के वास्ते मिलिटेरन वहाँ पर रखा जाएगा पहरा डालने के वास्ते, बवाकिंग के वास्ते। मिनिस्टर कहते हैं, फिर यही कहते हैं कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, पहली मतवा ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए वो जो खोजबीन इस मामले में हो रहा है वो इसका नतीजा क्या होगा, रिजल्ट्स क्या होगा वो इंतज़ार करती है और ये देखेंगे कैसे इस मामले पर आगे खोजबीन होगा, कैसे कौन से कदम उठाया जाएगा। और स्कूल पर जो वो कहते हैं कि सभी स्कूलों पर लोग कोशिश करते हैं एक बवाकर एक पहरेदार रखने के वास्ते। अरेस्तात सी टीम जो है ये नरकोटिका ब्रिगाड के साथ बुध को 2 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, ये और एस को, और ये है तशा का ओवर ट्रेडिंग वेट फरदोफन द मिडल और ओवर ट्रेडिंग फ्यूर वापन वेट। पुलिस को यह खबर मिला था तो पुलिस एक पता पर गई है रामगोलाम वेग पर, वहाँ पर 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और ये 2 लोगों के साथ भी पुलिस कब्जे में लिए है लगभग 6 किलोग्राम कोकाइन, वापन्स और वापन के अंदर तेल, कुछ म्यूनिसी और पैसा यूरोस और यूएस डॉलर्स कब्जे में लिया गया है। ये दोनों पुलिस के हिरासत में है और खोजबीन इस मामले में हो रहा है। वैसे पिछले हफ्ता हम आपको ये भी बताए कि मिनिस्टर फेरिये ओंदरवेस का मिनिस्टर पंचघर में ऐलान किए थे कि EOL का नाम बदला जाएगा और नाम होगा RLO, लेकिन अब कहा गया है कि ये लेरार ऑपलेडिंग जो है EOL का, ये लेरार ऑपलेडिंग जो EOL का है इसका नाम अब RLO नहीं होगा लेकिन RLOS होगा, क्योंकि कुछ गलत फहमी होते हैं अलखमेन लेरार ऑपलेडिंग और अलखमेन लिखाम को फूडिंग से, ये कुछ गलत फहमी लोगों को होते हैं, तो आप नाम रखा गया है अकादेमिस लेरारन ऑपलेडिंग सुरीनाम, मतलब नाम होगा RLOS, ये मिनिस्टर ने बताए है। आने वाले जून के 5 तारीख न सिर्फ ईद के मौके पर छुट्टी का दिन है, लोग ईद मनाएंगे, लेकिन 5 तारीख जून हमारे सुरीनाम देश में ख़ास तौर पर एक ऐतिहासिक दिन तारीख है, क्योंकि इस दिन अपरवासी दिवस मनाया जाता है, हिंदुस्तानी अपरवासी मनाया जाता है यहाँ सुरीनाम देश में। इस साल हम सब मनाएंगे कि 146 साल पहले हमारे बाप दादे भारत देश से सुरीनाम देश में आए थे।
कुछ खास जश्न इसी सिलसिले में मनाया जाएगा इस साल इलाका कोमवेन में सेहतिंग हिंदुस्तान से एमिग्रासी और यह है कमिसारियात कोमवेन के साथ मिलकर कुछ खास प्रोग्राम वहाँ पर रचाए रचाने वाले हैं और ये ख़ास प्रोग्राम जो है कोमवेन न्यू आम्स्टरडम पर होगा जहाँ पर एक बाबा एंड माई मोन्यूमेंट बाबा और माई मोन्यूमेंट के अलावा लाला रूप बोट और लाला रूप प्लेन का उद्घाटन होगा और थ्रिलिंग होगा। प्रोग्राम लगभग 11-12 बजे सुबह शुरू होगा और इसके लिए आपको भी दावत दी जाती है, ज़रूर आप आइए। प्रोग्राम पर लोगों का भाषण रहेगा, साँच और संगीत का प्रोग्राम रहेगा, कविता इत्यादि रहेगा और जो लोग बरसों से सूरीनाम देश में रहते हैं, कोमवेन में ख़ास तौर पर रहते हैं और हिंदुस्तानी सभ्यता जो है, कल्चर जो है कायम रखे है, इसमें मदद किए है और हाथ बटाई है, न सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए लेकिन देश के लिए, इन लोगों को सम्मान दी जाएगी, पुरस्कार दी जाएगी। ये ख़ास प्रोग्राम रहेगा, यह एतवार जून के 2 तारीख कल न्यू आम्स्टरडम कोमवेन पर सेहतिंग हिंदुस्तान से इमिग्रासी की तरफ से और कमिसारियात कोमवेन के तरफ से। वैसे इसी मौके पर जो है हम सूरीनाम देश के सभी जनता को 160वें त्यौहार हिंदुस्तान से इमिग्रासी हिंदुस्तानी प्रवासी के मौके पर बहुत से बधाइयाँ पेश करते हैं। ख़ास तौर पर हमारी हिंदुस्तानी भाई बहन जो है सभी को बहुत से बधाइयाँ मुबारकबादी दी जाती है और जून के 4 तारीख या जून के 5 तारीख या हो सकता है मुमकिन है जून के 6 तारीख आप ईद मनाएंगे। तमाम मुस्लिम भाई बहनें जितने लोग ईद मनाएंगे आप सभी को ईद मुबारक हो। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।